26 नवंबर 1949 का वह दिन, बाबा साहब अंबेडकर भारत का संविधान लिखने के बाद अपने घर गए और वह सोफे पर बैठे थे। सोफे पर बैठ करके एक पल में मुस्कुरा रहे थे तो दूसरे पल में रो रहे थे, एक पल में मुस्कुरा रहे थे फिर दूसरे पल में रो रहे थे। उनके साथ शंकर आनंद शास्त्री थे, वह बाबा साहब को गौर से देख रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, क्या बात है बाबा साहब, आप क्यों रो रहे हैं और क्यों दूसरे क्षण में मुस्करा रहे हैं? शंकर आनंद शास्त्री की बात सुनकर के बाबा साहब ने कहा, शास्त्री, आज का यह दिन लाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं खोया है। मैंने अपने रामू को खो दिया, मैंने अपने प्रिय पुत्र राजरतन को खो दिया। मैंने सपना देखा था कि मैं राजरतन को इतना महान बनाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कि उसको इस देश का शासक बनाऊंगा। लेकिन मुझे याद है कि जब वह बीमार पड़ा था तो मेरे पास उसके दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। वह मेरी गोद में था, मैं उसको गोद में लेकर के खिला रहा था और पता नहीं कब राजरतन के प्राण निकल गए, वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मुझे तो पता भी नहीं चला कि राजरतन इस दुनिया में नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद रामू आई और उसने कहा कि साहब, राजरतन को मुझे दे दीजिए, आप आराम कर लीजिए। और मैंने रामू को राजरतन को दे दिया। जैसे ही रामू ने गोद में राजरतन को लिया तो वह रोने लगी। रामू को रोते हुए देख करके मैंने राजरतन को देखा तो मैं भी रोने लगा। आसपास लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने थोड़ी देर बाद कहा कि बाबा साहब, राजरतन का अंतिम संस्कार करना है, इसके लिए नए कपड़े लाने पड़ेंगे, कफन लाना पड़ेगा, आप पैसे दे दीजिए, हम लोग कफन ले आते हैं। पैसे का नाम सुनते ही मेरे कलेजे में आह सी हुई, क्योंकि अगर मेरे पास पैसा रहा होता तो मैं अपने राजरतन का इलाज नहीं करा लेता। मेरी रामू को यह बात पता थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू आगे बढ़ करके आई और अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उन लोगों को दिया और राजरतन को उसी पल्लू में लपेटा गया। लेकिन ठीक उसी दिन मुझे गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना था। मैं अपने राजरतन के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाया। मैंने राजरतन के लिए क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे। मैंने सोचा था कि राजरतन को इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इतना महान इंसान बनाऊंगा, उसको इस देश का शासक बनाऊंगा। लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। रामू को भी मैं कोई खुशी नहीं दे पाया। लेकिन जब मैंने आज भारतीय संविधान को लिख करके तैयार कर दिया है तो मुझे खुशी हो रही है, इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि मैं अपने राजरतन को तो वह खुशियाँ नहीं दे पाया, दवा नहीं करा पाया, शासक नहीं बना पाया, लेकिन मेरे द्वारा लिखे गए भारतीय संविधान से इस देश का हर एक राजरतन इस देश पर राज करेगा। आज के बाद कोई भी राजरतन बिना कफन के इस मिट्टी में दफन नहीं होगा। आज के बाद कोई भी राजरतन दवा के अभाव में नहीं मरेगा। आज मैंने संविधान में वह सारे अधिकार दे दिए हैं जो एक इंसान की जरूरत थी। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर ने एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए अपना सब कुछ नौछावर कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, लेकिन आज भी हम भारतीय संविधान को, जिस संविधान के लिए उन्होंने अपना सब कुछ नौछावर किया, वह संविधान अपने घरों में नहीं ला पाए हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान को मंगाने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर जाइए, आप भारतीय संविधान को मंगा करके बाबा साहब के त्याग और बलिदान को याद करिए, नमन करिए, वंदन कीजिए और भारतीय संविधान को पढ़ करके अपने अधिकारों को जानिए। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।